देख लीजिए नौजवानों की आवाज, ये नौजवानों की संख्या, ये बढ़ती हुई नौजवानों की संख्या देखिए, एक बस और आ चुकी है, बच्चे आते ही जा रहे हैं यहाँ पे, लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजनाथ सिंह नहीं आएंगे भाई, राजनाथ सिंह नहीं आएंगे अभी, मुझे नहीं लगता राजनाथ सिंह जी आएंगे अभी। बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह तक नहीं बची है, इतने बच्चे हो चुके हैं। आप देखो पीछे तक, जहां तक आप देखोगे तो वहां तक आपको बच्चे दिखेंगे, जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक आपको बच्चे दिखेंगे, नौजवान दिखेंगे जो एग्जाम्स की, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए हुए, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए यहाँ पे पिछले 10 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। कोई सरकार का नुमाइंदा इनकी सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया में झूठ फैलाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मांगे मान ली गई है, मांगे मान ली गई है। भाई मांगे मान ली तो ये संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? भाई मुझे नहीं लगता सरकार के नुमाइंदे आएंगे यहाँ पे। ये है IIT के फर्स्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, कल सर से आपको मिलाया भी था सब लोगों को। इनके पास सारे इंडिया में जितने भी स्कैम हुए हैं इनकी लिस्ट इनके पास है सारी की सारी। IIT के फर्स्ट बेस से ग्रेजुएट हैं ये, अपन तो कल मिल चुके हैं इनसे, आप सब वाकिफ होंगे इनसे कल के वीडियो से। ये जो इन्होंने सारे पर्चे लेके ले रखे हैं, इनमें सारे घोटालों की लिस्ट है इनके पास, सारे घोटालों की लिस्ट है। ओके अपन अपना पूरा का पूरा कवर करते हैं पीछे का सोशल मीडिया में। गुड इवनिंग भाई लोगों, भाई उड़ाना उड़ाना किसी को नहीं है, अपना प्रोटेस्ट शांतिप्रिय था, शांतिप्रिय रहेगा। दसवा मैंने कल ले लिया था सर का, हाँ हाँ फ्री जोन पे कल ही ले लिया था अपन ने उनका इंटरव्यू। एक बार फिर से ले लें, एक बार फिर से सुन लेते हैं, चलो सर की बात एक बार फिर से सुना देता हूँ आपको। आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, अमेरिका में साइक्लोन आ रहा है, यूरोप में पूरे चाइना में बरसात हो रही है, साउथ अफ्रीका में पिछले 3 साल से बरसात नहीं हुई है, जो क्रिकेट खेलने वाले गए थे उनको बोला साले बाहर आ जाओ 2 मिनट में, पानी नहीं है। यदि ये व्यवस्था होगी तो हमारा क्या हाल होगा, मैं इसलिए बताने आया हूँ। 1000 करोड़ तो हमारे गांधी जी खा जाते हैं। गुजरात से आ रहा हूँ, 50 एकड़ में साबरमती गांधी आश्रम, आज गांधी जयंती, आज गांधी मूर्ति, गांधी जी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। आप राजघाट जाओ, 20,000 करोड़ की जमीन गांधी जी ने ऑक्यूपाई कर रखी है,
गांधी दर्शन आप देख के आओ। 1000 करोड़ गांधी जी खा गए, 500 करोड़ हिंदी खा गई, लोग मुझसे लड़ने आ जाते हैं। मैं 75 साल का हूँ, 70 साल आज़ादी को हो गए। आप मुझे बताओ 1 सितंबर से 15 सितंबर हिंदी दिवस मनाने का क्या औचित्य है? पूरा डिपार्टमेंट काजू उड़ाता है, सरकारी अफसर हिंदी के ऊपर अंग्रेजी में भाषण देने फॉरेन जाते हैं, 500 करोड़ का बिल आता है। कब तक मनाओगे हिंदी दिवस भाई? नई पीढ़ी कुछ जागरूक हो जाओ। मोदी जी को 10 लेटर रोज लिखता हूँ। मैडम टुसाड आई हैं लंदन से मोदी जी की मूर्ति बनाने। आप जाओ कनॉट प्लेस खादी ग्रामोद्योग दुकान के सामने 5 करोड़ का चरखा बना रखा है, किसी गुजराती का नाम लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के ट्रेजरर थे, डोनेशन लेते थे, जैसे लोग अब हैं ऐसे ही पहले थे। लोगों ने उड़ा दिया, ये तो बड़े पैसे कमा रहा है। उन्होंने मीटिंग बुलाई, बोली भैया पैसे कमा के आदमी क्या करता है? अजी करता क्या है, मकान बनवाता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मुझे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बम्बई में, कोई नहीं है। अब आप मुझे समझाओ मोदी जी उनकी मूर्ति के ऊपर 6000 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? हम बनाने में असमर्थ हैं, ऑर्डर गया चाइना को। सिर्फ मोदी जी हीन भावना से ग्रस्त। गुजरात से लोग मेरे घर आए हैं, शर्मा जी ये झूठ है कि इन्होंने चाय पिलाई, उस टाइम वो रेलवे स्टेशन ही नहीं था। ये झूठ है कि ओबीसी पैदा हुए, ये झूठ है कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मैं आपके कंधे पर चढ़ूँ और कोई नहीं, मोदी जी ने बनवाई थी ये मूर्ति। मैं रोज 10 लेटर लिखता हूँ, मोदी जी आप मोदी मीनार बनवाओ, कुतुब मीनार की जगह ताजमहल की जगह मोदी महल बनवाओ, भारत माता की। भाई अब अंकल जी यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको तो थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, जो यहाँ घर से देख रहे हैं। ये अंकल जी यहाँ पे 75 साल के हैं, ये आए हुए हैं, आप नहीं आ सकते यहाँ पे यार, कमेंट मार रहे हो यहाँ पे सब लोग बैठे बैठे। सब लिखो एक बार दिल्ली वालों के लिए, लिखो सेम कमेंट में, दिल्ली वालों के लिए सेम लिख दो यहाँ पे एक बार सब दिल्ली वालों के लिए। अंकल जी जा रहे हैं अभी घर, ठीक है, जो दिल्ली से बैठ के इसको देख रहे हैं उनके लिए एक बार सेम लिख दो भाई, सेम नहीं सेम, हाँ ये वाला, हाँ अबे सेम नहीं यार। दिल्ली वालों के लिए, सिर्फ दिल्ली में घर से देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है, ये मुखर्जी नगर में जो लाइब्रेरी में बैठे बैठे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए है सेम, देख लो, सुबह तक नहीं पहुंचे तो देख लेना बेटा। अब तो शर्म कर लो, कितना पढ़ लोगे तुम 2-4 दिन में, हमने भी टीयर 2 दिया है, तुम कोई अलग नहीं पढ़ रहे हो, ज्यादा होशियार नहीं हो। अब पक्का कल ग्राउंड भर जाएगा भाई, इतने सेम नहीं सुन पाएंगे दिल्ली वाले, इतने भी बेवकूफ नहीं है, सारे के सारे कल निकल के आ जाना लाइब्रेरियों से, 2-4 दिन में पढ़ के कुछ उखाड़ नहीं लोगे तुम, ठीक है। ये तुम्हारे ही भाई हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी सारी संख्या में यहाँ आए हैं, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, कुछ लोगों का स्पेस है जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी कल आ जाए, तुमको ऊपर बैठा देंगे यहाँ पे, यहाँ जगह पड़ी है देखो, यहीं पे बैठवाएंगे आप, और तो जगह नहीं बची। कोई नहीं, अब इतना भी सेम मत बोलो, आ जाएंगे यार। आ जाएंगे आप, शर्म है, इतनी तो शर्म है भाई लोगों को। डिनर की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे, आज खालसा की तरफ से है।
खाने वाने की टेंशन नहीं होगी, सारे के सारे आ जाओ भाई लोगों यहाँ पे। ठंड की थोड़ी टेंशन हो सकती है रात को। भाई खबर आई थी लेकिन राजनाथ सिंह जी आ नहीं रहे हैं। करवाने के तो मैं फटाफट पूछ लूंगा लेकिन मेरे को इच्छा नहीं है। लाइक ठोक दो भाई, सारे के सारे एक बार लाइक ठोक दो और शेयर कर दो। हाँ ट्रक भर के आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। कमेंट मारे ट्रक भर के आ जाएंगे। कैसे क्रिएटिव बंदे हो यार, फिर भी नहीं आ रहे हो, तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। तुम्हारे जैसे लोगों की तो यहाँ पे जरूरत है हमको, 10 दिन से बैठे हुए हैं लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम इतने क्रिएटिव है नहीं। अब तुम इतने क्रिएटिव हो, तुम ट्रक वर्क का भी बताया तुमको, तो आ जाओ सारे के सारे लोग। ये सर आपको कुछ बोलना चाहते हैं, दो शब्द बोलना चाहते हैं सर। सभी मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर छात्र राजनीति अलग चीज होती लेकिन छात्रों के हक के लिए आप आओ, क्योंकि ये सारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे सब निष्पक्ष है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है, सिर्फ ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये SSC के खिलाफ लड़ाई है, न कि किसी सरकार के खिलाफ। सिर्फ सरकार के खिलाफ थोड़े नाराज जरूर है क्योंकि सरकार इनको नजरअंदाज कर रही है, और नजरअंदाज कब तक करेगी, क्योंकि युवा शक्ति के आगे सरकार क्या पूरी दुनिया झुकती है, युवा शक्ति को तो सब सलाम करता है। तो सभी मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि आप यहाँ आए, समर्थन करें, और शनिवार और एतवार आने वाला है तो आप जहाँ आप अगर होली पे अगर आप घर गए हो, या आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले पढ़कर सफलता हासिल कर लो, तो आप कभी संभव नहीं है, क्योंकि सफलता का असली मजा तभी है जब टीम जीतती है। अगर टीम हारती है तो आपकी अकेले की सफलता कोई फायदेमंद नहीं होती। कप्तान अकेला खुश नहीं होता, कप्तान जब भी खुश होगा जब 11 के 11 खिलाड़ी सिलेक्शन हो, 11 के 11 खिलाड़ियों का सम्मान मिले। तो सभी से निवेदन है कि आप आओ, और इस SSC के प्रोटेस्ट पे, SSC के खिलाफ जो हमारी मांग है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ो, और आप जरूर से जरूर पहुंचो। तो अपने भाई का संदेश अभी आपने सुना, जो इन्होंने बोला बहुत ही सीरियस मुद्दा है यार, जो तुम 2-3 दिन में कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे बैठे, जल्दी से जल्दी आओ यार, बहुत सीरियस बात कही बंदे ने कि तुम वहाँ बैठे बैठे क्या कर लोगे, तुम जब सिलेक्शन तो वही ले जाएंगे, 90% सिलेक्शन तो वही 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए दे के ले रहे हैं, तुम करोगे क्या उस 10% के लिए लड़ोगे फिर। आ जाओ जल्दी से जल्दी, सारे के सारे पहुंच जाओ। देश का युवा रो नहीं रहा भाई, देश का युवा सड़कों पे सो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अपने पास इतनी मैन पावर है, इतना युवा है, लेकिन वो कहां सो रहा है, सड़कों पे सो रहा है। थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए सरकार को। आ जाओ ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे भी आना, आ जाओ, आपकी जरूरत है यहाँ पे। ठीक है मैं लाइव आता हूँ थोड़ी देर बाद में, अभी ऑफलाइन जा रहा हूँ। आपने देख तो लिया ये कितनी सारी भीड़ यहाँ पे आई हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी लोग आ जाओ यहाँ पे, सारे के सारे पहुंचो यार, घर पे क्या करोगे बैठे बैठे, जब सिलेक्शन मिलना ही नहीं है तो पढ़ के क्या करोगे, ऐसी बढ़ाई क्या काम की है। आपकी बहनें इतनी सारी आई हुई है, तुम यार वहां पे लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, 2 दिन पढ़ के क्या कर लोगे। हमने भी Tier 2 दिया है, फर्स्ट टाइम में Tier 2 दिया है, तुम ही नहीं हो ज्यादा होशियार।
ये खास तौर पे मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मुखर्जी नगर में अभी लाइब्रेरीज में बैठे बैठे वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करके हमारा वीडियो लाइव देख रहे हैं, अपडेट मांग रहे हैं पूरे दिन। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, पूरे देश वाले तो चलो नहीं आ सकते, वो अपनी जगह कर रहे हैं, कोई जयपुर में कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है, लेकिन ये मैसेज मेरा इम्पोर्टेंटली यहाँ पे दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए ये मैसेज मेरा है। ठीक है भाइयों, आता हूँ लाइव दोबारा।